Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss the interrupt registers in 8051 microcontroller. So there are two interrupt registers. First is interrupt enable IE register and second interrupt priority IP register. So first we are going to discuss interrupt enable register. So what is interrupt enable register? Due to this register, the interrupts can be enable or disable. Okay, we know that there are five types of interrupts: serial interrupt, timer 0 interrupt, timer 1 interrupt, external interrupt 0 and external interrupt 1. So to control this interrupt, means for enabling this interrupt, interrupt enable register is used for enable and disable purpose. Okay. So this is the format of I register. There are complete 8 bits. Bit number I.0 to I.7, 0 to 7 means there are 8 bits in this IE register and the byte address of this I register is A8H. So A8H is the byte address of this interrupt enable IE register. Okay. अभी इस फॉर्मेट से एक एक बिट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? So we are first going to discuss bit EA. So bit EA means bit IE.7, ठीक है? तो ये bit EA क्या है देखो? EA means enable all. अगर EA 1 होगा, EA is equals to 1 अगर होगा, तो सब जो भी interrupts आपको दिखाई दे रहे, मतलब EX0, ET0, EX1, ET1, ES, ये सभी interrupts enable हो जाएंगे अगर उसकी corresponding bit 1 होगी तो. मतलब EX0 की corresponding bit अगर 1 है, तो अगर enable all bit ये अगर 1 है, तो फिर EX0 work करेगा. अगर enable all bit ये disable है, तो ये सारे interrupts disable हो जाएंगे. मेरा कहने का मतलब है, मतलब ये सारे जो इंटरप्ट्स है, ये इनेबल करने के लिए हमें इनको 1 देना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ये करेस्पोंडिंग बिट्स पर 1 आता है तो ये इनेबल होगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन और एक कंडीशन है कि ये इनेबल ऑल बिट ये भी 1 होनी चाहिए. ये सारे, मतलब ये मास्टर बिट है, ये सारे जो भी इंटरप्ट्स है उनकी ये मास्टर बिट है. अगर ये डिसेबल होगी तो ET1, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ET1 1 है और EA बार, मतलब ये EA जो बिट है ये 0 है, तो at that time क्या होगा, ये ET1 1 भी होगी तो भी enable नहीं हो पाएगा ये timer 1 interrupt. ये enable करने के लिए ये EA भी 1 होना ही चाहिए, only and only then ET1 can be enable, ठीक है? So this is the master of these all the interrupts. Okay, master of these all interrupts bits. So bit EA, it is enable all bit. When EA equal to 1, all the interrupts are enabled provided corresponding enable bit for the interrupt is set. When EA equal to 0, all the interrupts are disabled and corresponding enable bits for the interrupts are ineffective. So EA bit is global enable bit. मतलब ये बिट अगर 0 होगी तो यहां अगर 1 भी आती है, कोई भी इंटरप्ट हम 1 करते, लेकिन ये EA बिट अगर 0 है तो इसका जो इफेक्ट है वो ये इनइफेक्टिव हो जाएगी, ये बिट्स इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है?
So for operating these interrupts, this EA should be 1. Now second, bit IE.6 and IE.5. Bit IE.6 and IE.5. तो ये जो बीट है I.6 और I.5, दीज आर अनयूज बीट्स। यहाँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ये बीट्स यूज नहीं होती। 8052 माइक्रो कंट्रोलर में ये I.5 जो बीट है वो ET2 एज अ यूज होती है, क्योंकि वहां टाइमर 2 भी है। तो टाइमर 2 के लिए जो इंटरप्ट रहेगा तो उसके लिए ये बीट उन्होंने इनेबल किया, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में ये दोनों बीट्स एम्प्टी है, दीज आर अनयूज बीट्स। ठीक है, नेक्स्ट बीट इज बीट ई एस। बीट ई एस मतलब IE.4। ओके, तो देखो अगर ये बीट इनेबल होती है, मतलब ई एस इज इक्वल टू 1 अगर होता है, तो आपका जो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट है वो इनेबल होगा, और अगर 0 होगी ये बीट तो वो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट एट दैट टाइम डिसेबल होगा। ठीक है, तो देखो बीट ई एच जो है वो अगर 1 होगा तो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट तो इनेबल होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ये ई ए बीट भी 1 होना चाहिए। अगर ये 0 है और आपका ई एस बीट 1 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट वहाँ डिसेबल ही रहेगा। तो ई ए बीट भी 1 होनी चाहिए और ई एस बीट भी 1 होनी चाहिए फॉर इनेबलिंग द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। फोर्थ नंबर है बीट ई टी 1। तो ई टी 1 ये जो बीट है मतलब IE.3। ठीक है, तो सिंपल है, अगर ये ET1 है मतलब ये टाइमर 1 का इंटरप्ट है, तो अगर ET1 1 होगा तो टाइमर 1 इंटरप्ट इनेबल होगा, प्रोवाइडेड दैट EA बिट शुड बी 1। ओके, और अगर ET1 0 होगा तो ये टाइमर 1 इंटरप्ट डिसेबल रहेगा। अभी डिस्कस करते हैं बीट EX1। तो देखो बीट EX1 मतलब IE.2। ओके, तो ये EX1 बीट मतलब टाइमर 1, सॉरी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, ये है EX1। ठीक है, सो अगर ये EX1 1 रहता है तो आपका जो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है मतलब INT1 बार, एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 बार, वो इनेबल हो जाएगा, और अगर 0 रहता है तो डिसेबल होगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, EA शुड बी 1। अभी देखो बीट ET0, बीट ET0 और EX0 के बारे में भी मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ और फिर आपको थ्योरी देता हूँ। ET0 क्या है, टाइमर 0 इंटरप्ट है, अगर ET0 1 होगा तो टाइमर 0 इंटरप्ट इनेबल होगा, लेकिन कंडीशन वही रहेगी, EA बिट शुड बी 1, और अगर EX0 इनेबल होगा तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 बार को इनेबल करेगा, अगर EX0 1 होगा तो, और अगर 0 रहेगा तो एक्सटर्नल इंटरप्ट मतलब INT 0 बार, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, तो वो डिसेबल रहेगा। ठीक है,
तो ये था कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ दिस इंटरप्ट रजिस्टर्स, मतलब इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर का फॉर्मेट हमने अभी एक्सप्लेन किया। इसका बाइट एड्रेस है A8H और ये इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर बिट एड्रेसेबल भी है और बाइट एड्रेसेबल भी है, ठीक है। और एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया आई रजिस्टर से कि इसके फॉर्मेट में कैसा है, व्हेन ईए इक्वल टू जीरो द रिमेनिंग ऑल द बिट्स ऑफ इंटरप्ट्स आर इन इफेक्टिव, तो ईए बिट शुड बी वन फॉर इनेबलिंग दीज बिट्स। और नेक्स्ट है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर मीन्स आईपी रजिस्टर। तो देखो इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर में कैसा है, इंटरप्ट जो है हमारे जो पांच इंटरप्ट्स है, सीरियल इंटरप्ट, टाइमर जीरो, टाइमर वन इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट जीरो, एक्सटर्नल इंटरप्ट वन, तो ये पांचों इंटरप्ट्स में किसको आपको हाई प्रायोरिटी देनी है ये डिसाइड आप कर सकते हैं। और अगर आपने किसी इंटरप्ट को हाई प्रायोरिटी दी तो पहले वो इंटरप्ट एक्ट होगा और बाकी के सारे जो भी इंटरप्ट्स है वो उसके बाद में एक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू डिसाइड द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ ईच इंटरप्ट, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर इज यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ईच इंटरप्ट, ठीक है। मतलब ये आईपी रजिस्टर प्रायोरिटी डिसाइड करेगा जो यूजर थ्रू वो डिसाइड करेगा। अगर आपने सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को हाई प्रायोरिटी देके रखी है तो बाकी के सारे जो भी इंटरप्ट है वो, अगर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट पहले आता है तो वो एग्जीक्यूट होगा और बाद में सारे इंटरप्ट एग्जीक्यूट होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल सीरियल पोर्ट इंटरप्ट और टाइमर जीरो इंटरप्ट दोनों एक साथ आए लेकिन सीरियल पोर्ट इंटरप्ट को हाई प्रायोरिटी है, तो हाई प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट अगर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा और बाद में टाइमर जीरो इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो दीज आई पी रजिस्टर्स आर यूज टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ईच इंटरप्ट एंड इंटरप्ट हैविंग हाई प्रायोरिटी इज एक्नॉलेज फर्स्ट एंड देन लो प्रायोरिटी इंटरप्ट विल एक्नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इफ सीरियल पोर्ट इंटरप्ट हैविंग हाई प्रायोरिटी एंड इफ टाइमर जीरो एंड सीरियल पोर्ट इंटरप्ट कम्स एट अ टाइम देन सीरियल पोर्ट इंटरप्ट विल एक्नॉलेज फर्स्ट एंड टाइमर जीरो इंटरप्ट विल मास्क एट दैट टाइम व्हेन सीरियल पोर्ट इंटरप्ट विल एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सीरियल पोर्ट इंटरप्ट देन टाइमर जीरो इंटरप्ट विल एक्नॉलेज, ओके। तो देखो ये फॉर्मेट है आईपी रजिस्टर का, इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का, और इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर का जो बाइट एड्रेस है वो है B8H। देखो इंटरप्ट रजिस्टर्स ये जो ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के टाइप में आते हैं, क्योंकि देखो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो एड्रेस रहता है, मतलब 80H to FFH ये जो भी एड्रेसेस है, तो इन सारे एड्रेसेस, ये जो सारे एड्रेसेस है वो किसके एड्रेसेस है, SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की कैटेगरी में ये इंटरप्ट रजिस्टर आते हैं। IE रजिस्टर का बाइट एड्रेस है A8H एंड IP रजिस्टर का बाइट एड्रेस है B8H, इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में IP रजिस्टर भी 8 बिट का है, IP.0 to IP.7 ये 8 बिट्स है, ठीक है।
तो ये IP.7, IP.6 और IP.5 ये तीनों बिट्स यहाँ अनयूज बिट है, और 8052 माइक्रोकंट्रोल 8052 माइक्रोकंट्रोलर में ये PT2 ऐसी ये बिट है IP.5, मतलब टाइमर 2 के लिए, क्योंकि वहाँ टाइमर 2 भी है, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर 0 और टाइमर 1 ही है, इसलिए ये 3 बिट्स दे आर अनयूज बिट्स। ठीक है, तो देखो अभी डिस्कस करते हैं एक एक बिट। तो बिट IP.4, तो ये IP.4 क्या है? PS बिट। ठीक है, तो देखो अगर ये PS इज इक्वल टू 1 होगा तो हाई प्रायोरिटी विल बी असाइन टू द सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, और अगर PS 0 होगा तो सीरियल पोर्ट की जो प्रायोरिटी होगी वो कम होगी, मतलब लो रहेगी। ठीक है, PT1 अगर 1 होगा तो हाई प्रायोरिटी असाइन होगी टाइमर 1 इंटरप्ट के लिए, और अगर PT1 0 होगा तो लो प्रायोरिटी असाइन होगी टाइमर 1 इंटरप्ट के लिए। वैसे ही PX1 अगर 1 होगा तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, मतलब INT1 बार को हाई प्रायोरिटी असाइन होगी, और अगर ये 0 रहेगा तो इसके इसके लिए लो प्रायोरिटी असाइन होगी। PT0 में टाइमर 0 के लिए हाई प्रायोरिटी असाइन होगी अगर PT0 बिट 1 हुआ तो, और अगर 0 होगा तो लो प्रायोरिटी असाइन होगी। और PX0 मतलब एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, इसको हाई प्रायोरिटी असाइन होगी अगर PX01 होगा तो, और अगर PX00 रहेगा तो लो प्रायोरिटी असाइन होगी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 को। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, हाई प्रायोरिटी किसी भी एक बिट को ही आपको देनी है, मतलब अगर आपने PT1 इज इक्वल टू 1 किया तो PS, PX1, PT0, PX0 ये सारे 0 रहेगी, मतलब एट ए टाइम हाई प्रायोरिटी आप किसी एक ही बिट को दे सकते हैं, इतना आप ध्यान में रखो। तो जो भी हाई प्रायोरिटी आप देंगे तो वो इंटरप्ट पहले एक्नॉलेज होगा और बाकी के सारे इंटरप्ट बाद में एक्नॉलेज होगी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल आएगी, जो भी बिट 1 होगी तो उसको हाई प्रायोरिटी असाइन होगी। So if PS is equal to 1, high priority will assign to the serial port interrupt and vice versa. Now bit IP.3, that is PT1. So if IP.3 is equal to 1, means PT1 is equal to 1, high priority will assign to timer 1 interrupt and vice versa. Now bit IP.2, that is EX1, PX1, okay. So bit IP.2, if PX1 is equal to 1, high priority will assign to external interrupt INT1 bar and vice versa. Bit PT0, IP.1, okay. So if PT0 is equal to 1, high priority will assign to the timer 0 interrupt and vice versa. And last is bit PX0, IP.0. So bit PX0, if PX0 is equal to 1, high priority will assign to the external interrupt INT0 bar and vice versa. Okay, तो ये था पूरा आईपी रजिस्टर का फॉर्मेट। तो आज हमने देखा इंटरप्ट रजिस्टर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, विच इज इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर हैविंग बाइट एड्रेस A8H एंड इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर हैविंग बाइट एड्रेस B8H। ओके, थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोज आपकी तरफ आती रहेगी। अगले वाले एपिसोड्स में माइक्रो कंट्रोलर के सेशन में, अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे सीरियल पोर्ट सेक्शंस। ठीक है, मतलब सीरियल पोर्ट के जो भी रजिस्टर्स है, मतलब एसकॉन, एसबफ, तो ये सारे रजिस्टर्स हम वहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।